लेने के लिए वाटिका में आ जाते हैं। सीता भी अपनी सखियों के साथ बाग में आती है। भैया लक्ष्मण देखो तो, राजा जनक की वाटिका कितनी सुंदर है। हाँ भैया, वाटिका बनाने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हे भैया लक्ष्मण, बड़ा अचंभा है। सारा उपवन पुकार उठा, आ गई सरसता कमलों में, भवरों का दल गुंजार उठा। जिन कानों ने उपदेश सुना, उनके अब रंग निराले हैं। जो नैन लजीले रहे सदा, वह किसे देखने वाले हैं। है भैया, ऐसा लगता है कुछ देविया इधर को आ रही है। हाँ भैया लक्ष्मण, लगता तो ऐसा ही है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो इनके कार्य में बाधा आएगी। राम लक्ष्मण एक तरफ छिप जाते हैं। सीता अपनी सखियों के साथ आ जाती है। आहा सखी, आज तो बाग भर अजब रंग छाई। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। हाँ सखी, आज की शोभा देखकर मेरा मन यही भी चाहता है कोई सुंदर सराग गाया जाए। अच्छा बहन, फूल रही फुलवार सखिया हो रल मिल खेले। फूल रही फुलवार सखिया हो रल मिल खेले। फूल रही फुलवार सखिया हो रल मिल खेले। फूल रही है क्या हरियाली, फूल रही है क्या हरियाली। झूला झूले ओ मेरी प्यारी, झूला झूले
अरे सखियो, बहुत देर हो गई है। नहीं बहन सीता, अभी तो बहुत समय है, फिर ना आएंगी घट्टी कब, ना हम इस बाग में। विधाता ने बिछड़ना लिख दिया है हमारे भाग में। देखिए भ्राता जी, यह फुलवारी में कौन सुकुमारी है? हे भैया लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि यही जनक दुलारी है। मिथिला नगर का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है। अब तक जाओ विविध यहाँ, वह सब इसका ही वैभव है। राता जी, आज आपके मुख से पहली बार किसी के सुंदर रूप का वर्णन सुना है, इसका क्या कारण है? भैया लक्ष्मण, क्या बताऊं, बेठिकाने यह नजर आजन्म जा सकती नहीं। ध्यान में मेरे पराई नारी कभी आ सकती नहीं। क्या कहूं लीला विधाता की, अब कहीं जाती नहीं। चोट ये दिल पर पड़ी है, अब सही जाती नहीं। भैया, लेकिन अपना यह धर्म नहीं है जो देखे सुंदर कन्या को। हे भ्राता, यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। हाँ भैया, चलिए। हाँ देखिए, दिखाने के लिए तो ये मेरा माताओं बहनों से बच्चों से अनुरोध है, कृपा करके बैठ जाएं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कहानीकार लेखाकार होते हैं उनके पास भी नहीं होती है। यहाँ जो माता सीता आती है तो यहाँ महागौरी का मंदिर था। ये सुनने का विषय आपके लिए। महागौरी किसे कहते हैं कोई बता सकता है? हाथ खड़ा कर।